अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अपना SEO स्कोर 100 कैसे करें। तो SEO स्कोर 100 करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और हम SEO कैसे करें, ठीक है। SEO स्कोर अपना 100 करना, तो SEO स्कोर 100 करने के बाद हमें क्या बेनिफिट मिल जाता है, ठीक है। तो हम कैसे SEO स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। SEO स्कोर अपना 100 कैसे करें, तो दो चीज़ें इसमें है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ज़ुबानी समझाऊंगा, ठीक है। तो फिर उसके बाद मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप प्रैक्टिकली समझाऊंगा। तो सबसे पहले हम ज़ुबानी समझते हैं कि भाई हमें SEO स्कोर अपना कैसे बढ़ाना है और हमें SEO स्कोर बढ़ाने से क्या बेनिफिट मिल जाता है। हमारे व्यूज़ मिलियनों में आ जाएंगे या हमारे व्यूज़ हज़ारों में आ जाएंगे या हमारे व्यूज़ लाखों में आ जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपना तारुफ करूँ। मेरा नाम है उसामा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल उमर चाय वाला। तो जो भाई मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और लाजमी शेयर उन लोगों तक करना जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जनाब अभी मैं आप लोगों को ज़ुबानी समझाऊंगा कि आप लोग ज़ुबानी समझ जाए कि भाई हम लोगों को किस चीज़ की ज़रूरत है सर। तो मैं आप लोगों को पहले एग्जाम्पल दे जाता हूँ, ठीक है। भाई एक चैनल है, ठीक है, वो उसका 10,000 सब्सक्राइबर है और एक चैनल है उसका आप लोग 10 ले लो या 0 ले लो, ठीक है। तो 0 सब्सक्राइबर उसके है, ठीक है। तो ये अगर SEO स्कोर अपना 50 तक करता है, ठीक है, या 40 तक कर लेता है तो इसका जो वीडियो है ना, ये वीडियो टॉप में आ जाएगा, ठीक है। टॉप में आ जाएगा इसका वीडियो टॉप में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका सब्सक्राइबर ज़्यादा है। तो यूट्यूब भी जिन चैनलों का ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो उनको ज़्यादा प्रमोट देता है क्योंकि उनके सब्सक्राइबर ज़्यादा हैं। तो अगर उसकी बात करें, अगर वो 0 सब्सक्राइबर वाले की, तो वो 100 करे अपना, ठीक है, अपना 100 करे सब्सक्राइबर, सॉरी SEO जो है ना इसको 100 कर ले, तो तब भी इसका वीडियो जो है ना रैंक में नहीं जाएगा, मतलब उसका टॉप में नहीं जाएगा वीडियो। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि उसके सब्सक्राइबर कम है, कम होने की वजह से उसका नहीं आता है। तो जनाब मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, ठीक है। मैं 4 साल से यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, ऑनलाइन अर्निंग में भी काम कर रहा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ बना लिया है, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह सही अपना ज़िंदगी अच्छा खासा चला रहे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि यूट्यूब का 4 साल मेरा एक्सपीरियंस है। मैं कार्टून का मेरा चैनल था, ठीक है, अपना कार्टून, एनिमेशन कार्टून वगैरह नहीं, अपना कार्टून। 2 वेबसाइट है जिससे आप अपना कार्टून बना सकते हैं, अपना जो है ना उसका कलर वगैरह लगा सकते हैं, ठीक है। तो 1 साल मैंने उस पर काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीख लिया, ठीक है, पूरा काम मैंने उससे सीख लिया। तो उसके बाद मैंने शुरू किया, मेरे 4,000 सब्सक्राइबर भी हो गए। तो कुछ गलतियों की वजह से, मेरा अपना गलती है, तो मेरा वो चैनल हो गया। पहले मैंने एक वीडियो लगाया तो उसकी वजह से एक वायलेशन आ गया, फिर दूसरा वायलेशन गलती ये थी कि पहला वाला वायलेशन था तो उसकी वजह से मैंने यूट्यूब से सॉरी नहीं किया, तो मोनेटाइज चैनल था वो उड़ गया, चला गया, ठीक है। तो जाने वाली चीज़ों को हम याद नहीं करते हैं, अभी ज़िंदगी आगे बढ़ाने के लिए कोशिश कर लेते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं, मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिस चीज़ के बारे में आप बहुत कम सुना होगा, मेरे अंदाजे से सुना भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बहुत से यूट्यूबर है, समझाते तो हैं, हम खुद यार पहले यूट्यूब से धक्के खा के आस्ता आस्ता सीख के आ गए, ठीक है। ऐसे बंदा पूरा दुनिया में बहुत ही कम, करोड़ों में होगा जिसका एक पहला चैनल होगा और पहले चैनल से वो वायरल होगा, ठीक है। तो हम लोग जैसे हैं, ठीक है, जैसे दूसरे लोग होते हैं वो धक्के खा के सुधर जाते हैं, फिर अच्छी तरीके से काम करते हैं, फिर वायरल हो जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अभी मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाऊंगा कि कैसे और क्या कर लेना है आप लोगों को, ठीक है। और हाँ, सब्सक्राइब लाजिम कर लेना, ठीक है, भूल नहीं जाना, ठीक है। चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं मोबाइल स्क्रीन पे। तो अभी हम अपना काम स्टार्ट कर लेते हैं, मैं आप लोगों को समझा लेता हूँ। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, ठीक है, आप अपना थंबनेम पे भी ज़्यादा कोशिश करो, अच्छा वाला थंबनेम बनाओ, बड़े बड़े यूट्यूबर के थंबनेम को देखो, फिर उसको कॉपी करके जो है ना कुछ लफ्ज़े अपने लिख के पिक्चर वगैरह लगा के बहुत ही अच्छा थंबनेम बनाओ। अगर थंबनेम बनाना आप लोगों को नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आप लोगों को थंबनेम बनाना सिखाऊंगा कि थंबनेम कैसे बना लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, अपनी वीडियो की जो है ना फोकस करना है कि भाई अपना वीडियो बहुत ही अलग क्वालिटी का बनाए, ठीक है, और नेक्स्ट क्वालिटी का बनाए, मतलब बहुत ही अच्छा बनाए। क्यों? क्योंकि आप लोगों को, आपका वीडियो अच्छा होगा तो आप लोगों का रैंक जब होगा ना तो आप लोगों की वीडियो मतलब 1 मिनट या 2 मिनट या पूरा कभी वॉच कर लेते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद आपका वीडियो रैंक कर लेता है, ठीक है। पहले अपना जो है ना आप अपना वीडियो पे फोकस करो, थंबनेम पे फोकस करो, इन चीज़ों को सीखो, ठीक है। फिर उसके बाद SEO, सबसे पहले SEO भी कर सकते हो,
तो चलिए हम फॉर एग्जांपल अभी आते हैं, ठीक है, यूट्यूब पे। तो यहाँ पे हम यूट्यूब पे आते हैं, आ गए यहाँ से हम लोगों ने सर्च बार पे आ गए, ठीक है। या फिर हमने सर्च बार पे आ गए तो फिर यहाँ से हम लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल, ठीक है, आज का हम ले लेते हैं यही अपना ट्रिक का, मैं अपना चैनल का ट्रिक का जो है ना एग्जाम्पल ले लेता हूँ आप लोगों को, ठीक है, दिखा देता हूँ कि कैसे मतलब एसईओ स्कोर बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ ऑनलाइन अर्निंग इन पाकिस्तान, ठीक है, या आगे यहाँ पे हम इसको, ठीक है, सर्च कर लेते हैं। तो जनाब अभी मुझे ये बताओ, ये जो आपको वीडियो नज़र आ रहा है, ठीक है, और ऑनलाइन इन अर्निंग पाकिस्तान, तो 21 घंटे उसको हो गए हैं और इसने जो है ना 4,000 के करीब व्यूज़ उठाए हैं। तो जनाब ये बताओ, ये इसका 21 घंटे में इसका जो है ना चैनल वीडियो क्यों रैंक में आ रहा है, सर्च में फर्स्ट पे क्यों आ रहा है, ये आप लोगों ने फोकस किया है, मतलब इस पे गौर किया है क्यों? क्योंकि अभी इसके सब्सक्राइबर भी ज़्यादा हैं और इसको इसका एसईओ स्कोर भी ज़्यादा है, ठीक है। तो बड़े चैनल हैं लेकिन इसमें सर्च में ये आता है, ठीक है। तो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे आते हैं कि भाई अपना एसईओ स्कोर बढ़ाए और अपना वीडियो का जो है ना रैंक करें, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ विदाई की एप्लीकेशन पे, विदाई की एप्लीकेशन पे मैंने आप लोगों को बहुत सारे वीडियो बना के दिखाए भी है, ठीक है, कि विदाई की एप्लीकेशन कैसे इस्तेमाल कर लेते हैं। यहाँ पे हम आएंगे जैसे चौथे नंबर पे, यहाँ पे आप लोगों मेरा ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, ऑप्टिमाइजेशन में हम आएंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एग्जाम्पल के तौर पर ये वीडियो ले लेते हैं, ठीक है, इसका हम ले लेते हैं ये वीडियो। तो यहाँ से हम आते हैं जनाब यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हमें ये मैंने टाइटल लिखा हुआ है, ठीक है, ये टाइटल टाइटल डिस्क्रिप्शन टैग्स ये मैंने लिख लिए, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं यहाँ पे कि भाई हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन में ऐसा क्या चीज़ है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर गलत लिख लिया है तो उसकी वजह से हमारा वीडियो रैंक नहीं कर रही है, या तो हमारी वीडियो, ठीक है, या हमारी वीडियो है तो हमारी वीडियो रैंक ही नहीं कर रही। तो जनाब ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, ये सारे ग्रीन है ना मेरे टैग्स, क्यों ग्रीन है, क्योंकि मैंने लो वाले जो है ना वेरी लो वाले कंपटीशन पे काम करना है, क्यों? क्योंकि मेरा नया चैनल है, मैं इस चीज़ पे काम करूँगा तब जाके मेरा, ठीक है, मेरा वीडियो वायरल होंगे। तो अगर मेरी वीडियो में दम रही, अगर मेरा थंबनेल अच्छा रहा, क्लिक थ्रू रेट्स मेरा ज़्यादा रहा तो मेरी वीडियो वायरल होगी। तो जनाब ये जो आप लोगों को ग्रीन नज़र आ रहा है ना, तो ये ग्रीन वाले आप लोगों को इस्तेमाल कर लेना है। अभी आप बताओगे कि भाई ग्रीन वाले में हम कैसे जो है ना काम करें, मतलब अपने ऐसे इसको ज़्यादा करें। तो ग्रीन वाला जो हमारा है ये हम कैसे ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे आते हैं अपने YT स्टूडियो में, ठीक है, YT स्टूडियो में हम आएंगे अपना YT स्टूडियो में। यहाँ पे आप लोगों को तीसरे नंबर पे जो नज़र आ रहा है ना, तीसरे नंबर पे यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है एनालिटिक्स, यहाँ पे हम एनालिटिक्स पे क्लिक करेंगे, ठीक है। एनालिटिक्स में क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे आएंगे रिसर्च में, तीसरे नंबर पे जो हमें रिसर्च नज़र आ रहा है ना, यहाँ पे हम रिसर्च में आएंगे, ठीक है। रिसर्च में आने के बाद यहाँ पे हम लिख लेते हैं ऑनलाइन, ठीक। तो जनाब यहाँ से आप लोगों को ये जो नज़र आ रहा है ना, ये आर लिखा हुआ है, उसके बाद कॉन्टेंट ग्रुप्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, ग्रुप, यहाँ पे हम दूसरे नंबर वाले पे क्लिक करेंगे। ये जो आप लोगों को इसके नीचे जो नज़र आ रहा है ना, वे हाई वॉल्यूम, ठीक है, ये मतलब बहुत ज़्यादा रिसर्च हो रहे हैं। तो ये चीज़ों का आप लोगों को लिख लेना है, किसी जगह पे सेव कर लेना है, फिर उसके बाद अपने टैग्स में इसको जो है ना लगा लेना है। तो यही ग्रीन वाले हैं, यही वेरी लो वाले हैं, यहाँ से आप लोगों को वेरी लो वाले आप लोगों को मिल जाएंगे, और उसके बाद आप लोगों को, ठीक है, वहाँ पे काम कर लेना है, फिर वो जगह पे लिख लेना है, फिर उसके बाद रेड पे आएगा। अगर आपकी वीडियो में दम रही, अगर आपकी वीडियो में जो है ना आपका थंबनेल अच्छा रहा, तो आप लोगों को वायरल होने से कोई नहीं रोक सकता। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप लोगों को वीडियो समझ आई होगी, ठीक है। तो जनाब ये एसईओ स्कोर के बारे में आप लोगों को प्रैक्टिकल समझाया कि ग्रीन वाले वेरी लो वाले कंपटीशन पे हमें कैसे काम करना है, ठीक है, उसका सर्च वॉल्यूम ज़्यादा हो और उसका लो हो, ठीक है, कंपटीशन उसका लो हो, तो हमें क्या कर लेना है, ठीक है, तो लो वाले जो है ना टैग्स पे काम कर लेना है ताकि हमारा वीडियो सर्च में आ जाए, ठीक है। तो एसईओ स्कोर भाई, एसईओ स्कोर आप लोगों को 50 तक कर लेना है, 50 तक आप लोग हो गया, उसके आगे आप जो भी लिखोगे, जितना भी करोगे, आपका एसईओ स्कोर बढ़ नहीं जाएगा। क्यों बढ़ नहीं जाएगा? जब 50 हो गया, 50 होने के बाद आपका वीडियो दिन ब दिन रैंक करेगा, तो 50 के बाद वो रैंक करने के बाद आपका वीडियो ऊपर जाएगा। क्यों ऊपर जाएगा? क्योंकि वो उसके बाद वाले जो स्कोर है वो यूट्यूब के हाथ में, वो यूट्यूब आप लोगों को जो है ना देगा, उसके बाद वाले जो है ना वो आप लोगों को यूट्यूब देगा।
तो तब तक के लिए इतना, मिलते हैं कि अमेजिंग वीडियो में। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़, फी अमान अल्लाह, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं।